Assalamu alaikum dear friends, welcome to my first class that is related to immunity. Main aaj padhane ja raha hu zoology. Twelfth class ki zoology. Zoology jo hai usme teesra chapter hai biology and human welfare. Biology and human welfare mein immunity kuch इम्यूनिटी के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हमें पढ़ने हैं. वो क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी हमें पढ़ना है. इम्यूनोलॉजी में क्या आएगा? इम्यूनिटी पढ़नी है, इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, इम्यून सिस्टम पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़नी है, ठीक है ना. फर्स्ट क्लास ऑफ इम्यूनिटी पढ़नी है, सेकेंड क्लास ऑफ इम्यूनिटी पढ़नी है, एंटीजन पढ़ना है, एंटीबॉडी पढ़नी है, ठीक है ना. ये सब हमने पढ़ना है किसमें? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी. फिर हमें जाना है वैक्सीन पे. वैक्सीन्स में हमें पढ़ना है वैक्सीन्स क्या होते हैं, वैक्सीनाइजेशन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या होती है, एंड पैथोजेंस क्या होते हैं. एंड इसके बाद ही हम ये जो इम्यूनिटी पोर्शन था बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ये ख़त्म होगा. फिर हमें डिजीज़ पोर्शन में जाना है. डिजीज़ में हमें पढ़ना है मलेरिया, फ्लोरेसिस, वो हम बाद में देखेंगे. आज हम जा रहे हैं इम्यूनिटी पढ़ने. अब पहले ही हमें पता होना चाहिए कि ये इम्यूनिटी क्या होती है. इम्यूनिटी होती है रेजिस्टेंस, जो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, ठीक है ना. अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में चला जाएगा, अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी मतलब डिजीज़ काजिंग एजेंट हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी इस पैथोजन को हराने के लिए, इस पैथोजन को मारने के लिए, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी. या दूसरी डिफिनेशन भी ये है कि ये एक एबिलिटी होती है, ठीक है ना. एबिलिटी होती है एक इंसान में जो इसकी बॉडी को बचाता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन, फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, ठीक है ना. हाँ, ये था इम्यूनिटी, ठीक है ना. आपने इम्यूनिटी में क्या समझा है? इम्यूनिटी क्या होती है कि आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि इम्यूनिटी एक एबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है बॉडी में जो इसको बचाती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन, फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेटिव एजेंट. जो डिजीज़ कॉजेटिव एजेंट होते हैं, जो डिजीज़ काज करते हैं, उनसे हमारी बॉडी बचती है. किस से? इम्यूनिटी से, ठीक है ना, इम्यूनिटी से. अब बात करेंगे हम पैथोजन क्या होता है. पैथोजन पे अलग सा हम क्लास लेंगे बाद में. अभी आप याद रखो यही कि जो ये पैथोजन होता है वो एजेंट जो डिजीज़ काज करेगा. अगर ये पैथोजन, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पैथोजन, कोई भी पैथोजन बॉडी में अंदर जाएगा, ठीक है ना, बॉडी में जाएगा, अगर इसने डिजीज़ कॉज की ना, अगर कोई एजेंट बॉडी में चला जाएगा, अगर इसने डिजीज़ कॉज की ना, इसको हम कहते हैं पैथोजन, ठीक है ना. पैथोजन आप सिंपली याद रखो कि ये एक एजेंट होता है जो डिजीज़ कॉज करता है हमारी बॉडी में, जो डिजीज़ कॉज करेगा उसको हम कहते हैं पैथोजन. अब बात हम करेंगे फॉरियन एंटीजन पे. एंटीजन पे भी एक अलग सा लेक्चर मुझे देना है आपको, बट अभी आप याद रखो कि जो एंटीजन होता है ये वो एजेंट होता है जो हमारी बॉडी में जाता है एंड जो वर्क करता है, जो काम करता है अगेनेस्ट टू द एंटीबॉडी. या हम ये भी कह सकते हैं ये फॉरियन पार्टिकल होता है, ये हमारी बॉडी में जाता है एंड हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है. ये सिंपली एंटीजन है, ठीक है ना. उसके बाद हमें पढ़ना है एंटीबॉडी क्या होती है. एंटीबॉडी ये एक कंपोनेंट होता है इम्यून सिस्टम का. या हम कह सकते हैं कि जब हम कंपोजिशन ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं वहाँ पर एंटीबॉडी एक इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है ना. ये मतलब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी मतलब जो मेजर पार्ट इम्यूनिटी का होता है, मेजर पार्ट इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम का होता है, वो एंटीबॉडी ही बनाती है. एंटीबॉडी क्या होती है एक्चुअल में? ये प्रोटीन होता है, ठीक है ना. ये प्रोटीन होता है. जब हमारी बॉडी में कोई फॉरियन पार्टिकल आएगा, जब हमारी बॉडी में फॉरियन पार्टिकल चला जाता है या पैथोजन जाता है, इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो रिलीज़ करवाता है एंटीबॉडीज़ को. यही जो एंटीबॉडीज है, यही जो प्रोटीन पार्टिकल्स है, यही फाइट करते हैं विद द फॉरियन पार्टिकल, विद द पैथोजन. सो एंटीबॉडी आपने ये याद रखा कि ये कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम होता है, ये फाइट करता है अगेंस्ट द पैथोजन एंड बॉडी को बचाती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज. इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी. अब हम बात करेंगे लैक ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है ना. अगर कोई इंडिविजुअल हमारे पास है,
अगर कोई इंडिविजुअल हमारे पास है बट उसमें जो इम्यूनिटी है वो वीक है या लैक है, उसको हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। अब बात करेंगे हम इम्यून सिस्टम के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारी बॉडी में, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शन ये होती है कि जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी हासिल करना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की काम है। इसी तरह हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या काम होती है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, ठीक है ना, O2 इनहेल O2 करना, एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो हमारा फूड है उसको ऑक्सीडेशन करना, उसको ऑक्सीडेशन करना, ये किसकी काम है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की काम है। इसी तरह बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी में है, लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम। इसी तरह हमारी बॉडी में और एक सिस्टम है, उसका नाम है इम्यून सिस्टम, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम की काम क्या होती है? जो बाकी सिस्टम है उनकी अलग अलग काम होती है, ये भी एक सिस्टम है। इसकी काम क्या है? इसकी काम यही है कि ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। जो मैंने आपको बोला कि इम्यूनिटी क्या होती है, ये एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल में जो इसको बचाती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस। सो ये इम्यूनिटी कौन करता है प्रोवाइड? ये इम्यूनिटी यही सिस्टम इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये इम्यूनिटी जो प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है, जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है डिफीट करना एंटीजन को, डिफीट करना पैथोजन को, डिफीट करना टू वेरियस डिजीजेस, ये किसकी काम होती है? ये इम्यून सिस्टम की काम होती है। अब बात करेंगे अब इम्यूनोलॉजी पे। देखो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस, लाइक वी हैव अ ब्रांच फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी साइंस में एक ब्रांच है। फिजियोलॉजी में क्या हम पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में हम जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनकी क्या फंक्शन है, ठीक है ना, इनकी क्या फंक्शन है, कैसे फंक्शन करते हैं, ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरह एनाटॉमी, जो हमारी बॉडी पार्ट्स है इनका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। इसी तरह अगर हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी की पढ़नी होगी, किसी ऑर्गेनिज्म की पढ़नी होगी, वो हम एक अलग सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं, उसका नाम है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। इसी तरह हमारे पास एक ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इम्यूनोलॉजी में हम इम्यूनिटी के रिलेटेड पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम के रिलेटेड पढ़ते हैं, इम्यूनिटी के रिलेटेड पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम के रिलेटेड पढ़ते हैं, ये एक ब्रांच में हम पढ़ते हैं, इसका नाम है इम्यूनोलॉजी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना। इन ब्रांचेस में किसी पर्सन ने मतलब अच्छी काम की होगी या ज़्यादा काम की होगी तो वो फादर कहलाता है, फाउंडर कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे जो फादर है, यहाँ पे जो फाउंडर है, यहाँ पे जिसने सबसे ज़्यादा काम की है इम्यूनोलॉजी में, वो एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है, ये नोट करिए, ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या फाउंडर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये एडवर्ड जेनर है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी पढ़नी है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी क्या है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी जो है हमारे पास दो टाइप्स है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी को हम और एक नाम देते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी को हम और एक नाम देते हैं नेचुरल इम्यूनिटी या पर्सन ओन इम्यूनिटी। ये पर्सन की अपनी इम्यूनिटी होती है, पर्सन की अपनी इम्यूनिटी होती है। इसमें आर्टिफिशियल का कोई रोल ही नहीं, इसमें इंसान का कोई रोल ही नहीं है। मतलब जो हम आर्टिफिशियली कुछ बनाते हैं आज, मतलब जो भी आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, बट इस जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी में इंसान का कोई रोल ही नहीं है। बट ये याद रखिए कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी होती है, ये नेचुरल इम्यूनिटी होती है। एंड दूसरा तीसरी चीज़ ये आपको याद रखनी है कि जो ये एक्टिव इम्यूनिटी है, ये इंसान की अपनी इम्यूनिटी होती है। इसमें क्या होता है, सपोज कोई इंसान है, कोई इंडिविजुअल हम लेंगे, इसका नाम है ए इंडिविजुअल हमने लिया, इसके बॉडी में पैथोजन चला गया, अगर इसके बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी, अगर इसके अपनी बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी ताकि वो लड़े किससे, एंटीजन के साथ, ताकि वो लड़े पैथोजन के साथ, इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी में आपने क्या रखा याद? आपने ये रखा याद
कि ये नेचुरल इम्यूनिटी होती है इंसान की, एंड ये अपनी इम्यूनिटी, इंसान की अपनी इम्यूनिटी जो होती है उसी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा, अगर हमारी बॉडी के जो सेल्स है अगर उन्होंने ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है, ठीक है ना, उन्होंने ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है, फिर वो एंटीबॉडीज मतलब डिफीट करवाएंगे किनको, फॉरेन पार्टिकल्स को, इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इसी तरह हमारे पास पेशी इम्यूनिटी, पेशी इम्यूनिटी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें हम आर्टिफिशियली एडमिनिस्टर करते हैं एंटीबॉडीज, ताकि मतलब वो मतलब फिर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए फाइट करे बॉडी में। फॉर एग्जांपल हम देते हैं ATS, एंटी टेटनस सिरम। एंटी टेटनस सिरम उस टाइम हम देते हैं जब कोई कुत्ता मतलब काटता है, तो हम ATS देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनती है उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनते, या बनती होगी बट मतलब जो हमारा रिज़ल्ट ये होता है कि हमें जल्दी जल्दी मिले, तो इसीलिए हमने ATS दिया, आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस की, ताकि हमें रिज़ल्ट मिलेगा जल्दी जल्दी। ये एक पेशी इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में साइड इफ़ेक्ट्स का कोई चांस ही नहीं होता है, क्योंकि ये पर्सन की अपनी इम्यूनिटी है, इसमें साइड इफ़ेक्ट की कोई चांस ही नहीं। मगर पेशी इम्यूनिटी में हाई रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट है, यहाँ पे एलर्जी होती है, यहाँ पे साइड रिएक्शंस होती है ब्लड में। जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, कभी कभार किसी इंसान में साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ठीक है ना, ब्लड में रिएक्शंस होती है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है इम्यूनिटी, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी जब हम पढ़ते हैं, इसमें दो टाइप्स हमें आते हैं, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इननेट इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी को हम दूसरा नाम देते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी, या फैमिलियल इम्यूनिटी, या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या जेनेटिक इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दूसरा नाम हम देते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी, या स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या नॉन जेनेटिक इम्यूनिटी। जो इननेट इम्यूनिटी, इसको इननेट इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, इनबॉर्न या इननेट इम्यूनिटी इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब एक इंसान पैदा होता है, उसको ये इम्यूनिटी उसी दिन से प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। या जब एक इंसान पैदा होता है, उस टाइम जो उसकी इम्यूनिटी होती है, उसकी इम्यूनिटी यही इननेट इम्यूनिटी होती है, इसीलिए इसको इननेट इम्यूनिटी कहते हैं या इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों इसको बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसीलिए इसको बोलते हैं बट बिकॉज इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन, पर्टिकुलर पैथोजन या पर्टिकुलर डिजीज़। ये किसी पर्टिकुलर एंटीजन, ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये जनरल में कोई भी इन्फेक्शन होगी तो ये काम करती है। अब बात आती है जेनेटिक इम्यूनिटी, हम इसको क्यों कहते हैं, जेनेटिक इम्यूनिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इनहेरिटेड होती है, ये हमें पेरेंट्स से मिलती है, इसीलिए इसको जेनेटिक इम्यूनिटी भी कहती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, तो उसमें हम बात करेंगे जो बैरियर्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी कैसे काम करते हैं, एंड आफ्टर दैट जब हम बैरियर्स ख़त्म करेंगे तो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी उठाएंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमें कुछ फ्यूचर्स पढ़ने हैं पहले, फिर टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, फिर इसमें लिम्फाइड ऑर्गन्स भी पढ़ने हैं, बी सेल्स टी सेल्स कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे मैच्योर होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, ठीक है ना, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।